एक बात तो है, वृंदावन में किसी को कहना नहीं पड़ता है नाचने के लिए, ये भक्ति का ही फल है। हम लोग बाहर कथा करने जाते हैं तो लोग बाग ऐसे बैठे रहते हैं, क्योंकि वो रसीला हृदय नहीं हुआ ना, कन्हैया के लिए भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। जिसके हृदय में कन्हैया का प्रेम है वो भजन पे बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे ऐसे लेकिन झूमेगा नहीं, चाहे ऐसे ही करे लेकिन करेगा नहीं, चाहे खड़े होकर नाचे, उसका रोम रोम आनंद से भर जाता है। भगवान की कृपा ये महिमा है। और इस कलयुग में तो बड़ी बड़ी तपस्या मना की भगवान ने, कन्हैया ने, कन्हैया तो कहते बस मेरे लिए नाचो गाओ और मेरा प्रसाद खाओ, बोलो राधे राधे। और भगवान का प्रसाद कितना पवित्र होता है, तो भगवान को जो भोग लगे प्रसाद खाओ, खूब कीर्तन में नाचो गाओ। ऐसे ऐसे महात्मा ब्रज में हैं, 100 साल पार कर चुके। एक संत तो हम वहां हरे कृष्णा इस्कॉन मंदिर है, लोग शाम को जाते हैं तो शाम को वहां बाहर ही हरे कृष्णा, विदेश के लोग अंग्रेज लोग आकर के हमारे कन्हैया का भक्ति करते हैं। उन अंग्रेजों को प्रणाम है भाई, है हमारे देश के कुछ लोग तो कन्हैया की भक्ति नहीं करते। अभी तो कह भगवान राधा रानी की दया से श्री कृष्ण को सब लोग जान रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान है, शिव जी के भी यही भगवान है, ब्रह्मा जी के भी यही स्वामी है, दुर्गा माता के भी यही नाथ है, 33 कोटि देवताओं के यही शिव मोहन। जैसे एक क्लास में एक बच्चा मॉनिटर होता है ना, पूरी क्लास तो मॉनिटर नहीं होती, ऐसे 33 कोटि देवी देवताओं में, पृथ्वी में, जल में, आकाश में एक देव है सर्वोपरि, वो है हमारे कृष्ण कन्हैया, बोलो राधे राधे। इसलिए आंख बंद करके श्री कृष्ण पे विश्वास करो, भगवान आपकी नैया पार लगाएंगे। अब बोलो राधे राधे, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। आज तो आपने पूरी हलवा सब पा लिया ना, कन्या को कुंवारियों को खिलाया ना भोजन, अष्टमी दुर्गा अष्टमी को लिखा है दुर्गा सप्तशती, आज के दिन कन्याओं को जरूर खिलाना चाहिए कुंवारियों को, कल नवमी को भी कुछ खिलाते हैं है? तो अष्टमी को जरूर खिलाना चाहिए, भले नवमी को खिलाओ दसवीं को खिलाओ लेकिन अष्टमी को जरूर कन्या पूजन कर लेना चाहिए। हम भी करके आए हैं, बोलो राधे राधे। तो भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज को उठाया, इंद्र का अभिमान दूर हो गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गए। ब्रजवासियों ने देखा हमारे ये साथ खेलते हैं, हमारे सखा हैं। जब भगवान ने गिरिराज को रख दिया तो सब बड़े बूढ़े नंद बाबा के पास गए, बाबा एक बात साची साची बताई हो, बोले हाँ भैया बताओ, ये लाला तेरो ही है, ये कन्हैया तेरो ही बालक है, हमको तो नहीं लगता, ऐसो लग रहा है या तो कोई किसी और लोग अंत आयो है, है? अरे यही के साथ पढ़े लिखे बच्चे जितने भी खेलते हैं वे भी उतना ही भोजन करें, वे भी ऐसी माखन खावे, और इनमें तो काऊ में ऐसी शक्ति नहीं है जितनी तेरे लाला में। तो भैया कहा कहो चाहो, कहो तो यही चाहे हैं कि तेरा लाला भगवान है, नारायण है, बोले थे श्री कृष्णा। अब भगवान ने सुन ली बात, अरे भैया अगर हम भगवान बन गए वृंदावन में ब्रज में, हम भगवान बनने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ तो सब ब्रजवासी कन्हैया को अपना परिवार का सदस्य माने हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं फैमिली मेंबर। जैसे परिवार में आपस में प्रेम होता है वैसे ही सब कन्हैया को लाड़ लड़ावे, भोग लगावे, बाकी आरती करें, कीर्तन गावे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। तो कन्हैया ने कहा अरे भैया हम तो आपके सखा हैं, बोले कन्हैया हम कैसे मानें, जब से तेरा जन्म हुआ है तेने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि कोई मनुष्य धरती का कर ही नहीं सकता। अरे जब तू 6 दिन छठी पूज रही थी
तो वह पूतना आ गई, तेने वह खेल खेल में ही उछाड़ दियो, पूतना को मार दियो। फिर 6 महीने को भयो तो शंखासुर को मार दियो, फिर त्रिणावट को मारियो, फिर अगासुर बकासुर और अभी अभी कालियानाग को ना दियो और या गिरिराज को उठायो। तो भैया तू मनुष्य नहीं है, तू तो साची में ही भगवान है, नारायण है। भगवान कहने लगे, अच्छा जब तुम भगवान भगवान कह रहे हो तो चलो हम भगवान हैं। लेकिन भगवान से तो कुछ मांगा जाता है, क्या मांगोगे? तो सबरे से खाने का हम तेरा वैकुंठ देखना चाह रहे हैं कन्हैया। हमने सुना है बड़े धर्मात्मा लोग, संत महात्मा मुनि मरने के बाद तेरे वैकुंठ में वास करें हैं।